नमस्कार, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं नाइन प्राइम शो। आज के शो में बात करेंगे कि जम्मू में हुए ड्रोन हमलों जैसे हालातों से निपटने की तैयारी के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। सरकार ने काउंटर ड्रोन पॉलिसी बनाने पर काम शुरू कर दिया है। अगली बड़ी सुर्खी बांग्लादेश से है, जहां लॉकडाउन का भय साफ तौर पर राजधानी ढाका की सड़कों पर देखा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कोरोना वायरस के अल्फा और डेल्टा पर भी असरदार है। अमेरिका के टॉप हेल्थ रिसर्च संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की स्टडी में यह सामने आया है। NIH ने कोवैक्सीन ले चुके लोगों के ब्लड सीरम पर दो स्टडीज की थी, जिनमें पता चला कि ये वैक्सीन अल्फा और डेल्टा वेरिएंट को खत्म करने वाली एंटीबॉडीज बनाने में सक्षम है। बता दें, भारत में दूसरी लहर डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही ज्यादा खतरनाक हुई थी। भारत सरकार ने काउंटर ड्रोन पॉलिसी बनाने पर काम शुरू कर दिया है। जम्मू एयरबेस पर ड्रोन अटैक के बाद लगातार दो दिन ड्रोन एक्टिविटी के बाद मंगलवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई एक हाई लेवल मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। बैठक में पूरे जम्मू और पंजाब इलाके में काउंटर ड्रोन सिस्टम की स्थायी तैनाती की जरूरत पर बात की गई। रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग में इस स्ट्रेटेजी पर बात हुई कि ड्रोन के जरिए होने वाले आतंकी हमलों को कैसे रोका जाए। भारत ने पिछले कुछ दिनों में चीनी सीमा पर 50,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए हैं। यह 1962 के युद्ध के बाद पहली बार है जब LSC पर भारतीय सैनिकों की संख्या 2,00,000 के करीब पहुंच गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने पिछले 3 महीनों में भारतीय सीमा के आसपास 2,00,000 सैनिक तैनात किए हैं। भारत के इस कदम के पीछे चीन की बढ़ती गतिविधियां हैं। फरवरी में समझौता हुआ था कि दोनों सेनाएं जवानों की तैनाती घटाएगी। चीन ने ऐसा नहीं किया, उल्टा सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। इस वादा खिलाफी को देखते हुए भारत ने सेना बढ़ाई है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत घरों या पंडालों में स्थापित होने वाली गणेश प्रतिमाओं की ऊंचाई को तय कर दिया गया है। गाइडलाइन के मुताबिक सार्वजनिक पंडाल में अब 4 फीट और घरों में सिर्फ 2 फीट के बप्पा की स्थापना की जा सकेगी। स्थापना और विसर्जन के उत्सव को सादगी से करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान भारी भीड़ जुटाने वाले आयोजनों पर पाबंदी रहेगी। LJP में जारी उठापटक का असर केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी पड़ा है। कुछ जानकार विस्तार में हो रही देरी को LJP में जारी घमासान से भी जोड़कर देखने लगे हैं। अब भाजपा वेट एंड वॉच के मूड में चली गई है। वो चिराग और पशुपति पारस के प्रति वोटरों का मूड भापने में लगी हुई है। चर्चा थी कि इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में LJP को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि LJP सुप्रीमो रामविलास पासवान का निधन केंद्रीय मंत्री रहते हुए हुआ था। ऐसे में चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन इन मौके पर ही चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने विरोध कर दिया। ब्रिटेन में करीब 5 महीने बाद 22,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। सोमवार को यहां 22,868 नए मरीज मिले, जबकि इसी साल 30 जनवरी को 23,108 नए मरीज मिले थे। ब्रिटेन में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 3,07,776 हो गई है। दूसरी ओर स्कूली छात्रों के सेल्फ आइसोलेशन से भी सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। अब सरकार छात्रों का सेल्फ आइसोलेशन खत्म करने की तैयारी कर रही है। सरकार का कहना है कि बच्चों के सेल्फ आइसोलेशन से माता पिता परेशान हो गए हैं। बांग्लादेश में 1 जुलाई से 14 दिन का सख्त लॉकडाउन लगने जा रहा है, जो प्रवासी मजदूरों के लिए मुसीबत बन गया है। लॉकडाउन की मार से बचने के लिए मजदूर जल्द से जल्द राजधानी ढाका छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए वे बाइक, ऑटो रिक्शा, लोडिंग ऑटो, ट्रक और एम्बुलेंस तक का सहारा ले रहे हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन के दौरान उनके पास काम नहीं होता, काम नहीं होगा तो किराया कैसे चुकाएंगे, पेट कैसे पालेंगे, इसीलिए वे सब कुछ बांध कर गाँव लौट रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में शहर छोड़ने के अलावा उनके पास कोई भी विकल्प नहीं दिख रहा है। आज के लिए केवल इतना ही। अगले शो में फिर हाजिर होंगे देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक देखते रहिए मृदुभाषी।